मैचेस, एक पाकिस्तान और एक दूसरा जो आपको देखने को मिला इंडिया का वहां मैच, उसने काफी हद तक डिसाइड कर लिया कि वर्ल्ड कप किस जगह पे जाने वाला है, कैसा जाने वाला है, क्योंकि आज के दोनों वार्म अप मैचेस हुए हैं, एकदम कमाल के वार्म अप मैचेस हुए हैं। हम बात करने वाले हैं कि शोएब अख्तर सर ने क्या बयान दिया है, कोई दिया भी है या नहीं दिया जिंजर बयान के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर साथ ही आपके ऊपर, आपके साथ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अब इंडिया की अगली प्लेइंग 11 बेस्ट क्या बन सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे, और ईशान किशन के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ में लगा जो बेल आइकन है उसको बनाना बिल्कुल बुझाना, मतलब ट्रेंड करें उसको यार, ऑन कर दो जल्दी से उसको। और हमने आज के आज रीच करने हैं यार, एटलीस्ट रीच करेंगे ना आज हम 6K सब्सक्राइबर्स, 6K करवाएंगे तो 5500 रख देते हैं, कल 6K पे जाएंगे, 5500 सब्सक्राइबर्स हमने रीच करना, तो जल्दी सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग ऑफ शोएब अख्तर से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शोएब अख्तर ने एक वीडियो बनाई थी जो उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा पे बनाई थी, उससे पहले वाली एक वीडियो थी, उसके अंदर आप जाकर के देख भी सकते हैं कि शोएब अख्तर सर का कहना क्या था। शोएब अख्तर सर ने यहाँ पर सबसे पहले तो जो है ना प्रेस किया आपकी टीम इंडिया को, और प्रसिद्ध कृष्णा गुरु ने कृष्णा का ITC, उन्होंने साथ में उस वीडियो के अंदर ईशान किशन के बारे में भी तारीफ की थी, ईशान किशन को भी इसी वीडियो के अंदर आपके शोएब अख्तर सर ने प्रेस किया था, उनके बारे में बात की थी। तो यहाँ पर ईशान किशन के नजर आ रहे थे कि भाई काफी अच्छे फैन शोएब अख्तर हैं, तो ये स्टेटमेंट अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट उनका गेम होने के शो पे आएगा रात में, जो लगता है वो मैं आपको सुबह फिर बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए अब बात कर लीजिए ईशान किशन बैटिंग टुडे, मतलब छा गए, मतलब यू नो एक जो मैंने अभी पिछली अपनी वीडियोज के अंदर भी बात की है, जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं या ड्राइव्स मार रहे हैं, वो पुल्स मार रहे हैं, शॉट्स जो मार रहे हैं ईशान किशन, डैश को दो छक्के मार के अपनी 50 लाए हैं वो, दैट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग यार। मतलब अभी भी अगर आप कहते हैं ना ईशान किशन इज नॉट अ नेक्स्ट बिग थिंग इन द वर्ल्ड, तो मैं आपसे सॉरी टू से दैट, बट आपको फिर मैं क्या ही कहूँ, ऐसा तो मैं आपकी बात से मान नहीं सकता मैं आपको, क्योंकि जो ईशान किशन कर रहे हैं ना दैट इज जस्ट फैंटास्टिक। ईशान किशन इज ऑल ऑन टू दैट, he is batting really good and he is you know he is fantastic right now, he is just nailing the show right now, aaj bhi unhone waisi batting ki hai kamal ki, outstanding। और अब जो सबसे बड़ी जो है ना टेंशन वाली बात वो मैनेजमेंट के लिए, सूर्य कुमार यादव फेल हो रहे हैं, राहुल परफॉर्म कर रहे हैं, रोहित को आप किसी भी सूरत में निकाल नहीं सकते हो, तो रोहित और राहुल तो ओपन करेंगे, किशन किधर खेलेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं सूर्य कुमार यादव को फेल होते हुए, तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा होगा कंफर्म है ATC, जो रूट नहीं बोलूंगा मैं आपसे, मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि ईशान किशन आपको देखने को मिले यहाँ पर एज अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर, क्योंकि इंडिया को एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर की टू बी ऑनेस्ट एक जरूरत तो है, और ईशान किशन अगर एक मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं इंडिया के लिए तो वो आपके लिए काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं, वो आपके लिए रन बना सकते हैं, और अगर वो परफॉर्म करते हैं, अब मेरा ख्याल है फॉर्म ऑफ मैच के अंदर टेस्ट करना चाहिए, ईशान किशन एबल टू परफॉर्म इन द मिडिल ऑर्डर, और अगर होता है ऐसा तो उनको जरूर चांस देना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में लगे बेल आइकन प्रेस करें, टेक केयर, गुड बाय।